मैंने लास्ट डे व्लॉग का एंड नहीं कर पाया था बिकॉज आई थॉट कि अभी तो वापस सेम ही वैसे जा रहे हैं लाइक जुड़ा का तालाब एंड बेस कैंप सभी चीज़ें सेम रहेगी, तो मैंने एंड नहीं करा था। और आज अभी हम जुड़ा का तालाब में स्टे था कल रात का, आज यहाँ से निकल रहे हैं हम लोग, तो देन आई थॉट कि अभी मैं यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ। और ये रहे हमारे कैंप्स और ये रही हमारी पूरी टीम लाइक पूरा ग्रुप हमारा, तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं। काफ़ी मज़ा आया और अभी काफ़ी एक्सपीरियंस भी हो गया है। मैं आपसे नीचे पहुँचते तक धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस दूंगा कि ट्रैकिंग में क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है एंड व्हाट यू कैन डू, व्हाट यू कैन कैरी, और बाकी भी चीज़ें मैं बताऊँगा कि क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो अभी कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो अभी हमारा फर्स्ट टी स्टॉप हुआ है यहाँ पे। ये अभी हमारा फर्स्ट ब्रेक था। अभी हम जुड़ा का ताल से शांकरी जा रहे हैं और आप लोग देख रहे होंगे कि ये मैंने मास्क पहना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी तो अब सेम डिफरेंट रूट है बट चीज़ें तो सेम ही होंगी लाइक ट्रैक करने का और जो मतलब व्यूज़ हैं यहाँ से। सो आई थॉट कि मैं आप लोगों को कुछ कुछ टिप्स दूंगा या फिर जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है ट्रैकिंग में और जो चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, मुझे जैसे जैसे याद आएगा मैं वैसे वैसे बताते जाऊँगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने मास्क पहना है। सो मास्क ये कोरोना तो फर्स्ट थिंग है बट नेक्स्ट थिंग ये है कि रिटर्न में क्या होता है, अभी हमारा स्नो वाला जो है ना वो एरिया पूरा वाला पहाड़ ख़त्म हो चुका है। सो अभी हमारे जो पहाड़ है ये मट्टी वाले हैं, यहाँ पे क्या डस्ट होती है जब काफ़ी सारे लोग उतरते हैं, तो मैंने मास्क इसलिए लगाया बिकॉज डस्ट होती है, उससे नाक में प्रॉब्लम आती है, किसी को ब्रीथिंग की प्रॉब्लम आती है, उससे प्यास ज़्यादा लगती है, डिहाइड्रेशन जल्दी होता है और यहाँ ही इंजॉय कर रहे हैं लोग बाग तो ये मैंने इसलिए पहना। और नेक्स्ट चीज़ अभी हमारी स्पाइक्स निकल चुकी है शूज़ की, बिकॉज स्पाइक्स ओनली स्नो में यूज़ होती है, स्नो में यूज़ होती है स्पाइक्स, बाकी टाइम नॉर्मल पहाड़ों में अपन जो ट्रैकिंग शूज़ मिले रहते हैं उससे हो जाता है। ये दो चीज़ें। तीसरी चीज़ ये है कि आपको कोई भी मेडिसिन कैरी करो बट मेडिसिन यू शुड नॉट टेक मेडिसिन इन माउंटेन्स, बिकॉज आप जैसे जैसे माउंटेन्स की हाइट में जाते हैं वैसे वैसे आप वेदर से फेमिलियर होते हैं, अगर आप मेडिसिन लेने का ट्राई करेंगे तो उससे और ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। सो ये अभी का ज्ञान था, अभी अपन आगे चलते हैं और मिलेंगे यहाँ पे मेरे पूरे ग्रुप वाले कैंप में। अभी ये टी और मैगी ब्रेक चल रहा है और ये हमारे भैया, इनका हाइड्रेशन होता है अलग चीज़ से। कैसा भैया, हाय कर दो, हाय कर दो, हाय। टिप्स दो ट्रैकिंग की यहाँ पे, जो जरूरी चीजें हैं वो बताओ कुछ कुछ ऐसा। लाइट की भी जरूरत है और गेटर्स की भी जरूरत है, माइक की जरूरत पड़ती है, इसी जो है ट्रैक हमारा चालू होता है। बाकी क्या है, उतराई के टाइम जो हम उतार देते हैं उनको, बाकी ट्रैक सांकरी में खत्म हो जाता है। अच्छा, और अभी अपने को कितना टाइम लगेगा नीचे जाने के लिए? डेढ़ घंटा लगेगा। तो ये अभी हमें वेलकम वाला घर मिला, तो मैंने सोचा कि मैं इसे शूट करा जाए। सो नाउ इट्स टाइम फॉर ज्ञान नंबर टू। तो इसमें ये बताना चाहूँगा कि आप काफ़ी सारी चीज़ें जो आइटनरी में दी रहती है उसे ज़रूर कैरी करें, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी कॉस्टली होता है रेंट पे लेना। लाइक मैंने टॉर्च नहीं लाया था तो वो मुझे अराउंड 200-300 पड़ी, और उसके बाद में ऐसा है कि रेनकोट भी कैरी कर लेना चाहिए बिकॉज कभी कभी रेनफॉल हो जाता है, स्नोफॉल हो गया तो आपको ज़रूरत पड़ती है, जो कि यहाँ पे 400 का मिलता है। मैंने तो काफ़ी सारी चीज़ें कैरी नहीं करा था तो वो ओवरऑल मुझे लाइक 1000-1500 का तो सब वो ही पड़ गया था। इसलिए चीज़ें जो जो रहती है कैरी करो, और दूसरी चीज़ सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें कैरी करिए, बाकी जो फालतू का सामान है ना लाइक वो ज़्यादा ना कैरी करो, बिकॉज इतना तुमको लेकर चढ़ना है। तो नॉर्मली मेंटेलिटी ये होती है कि अपने को लगता है कि पूरे ट्रैकिंग बैग भर के सामान लेके जाओ ये वो, बट ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस, जो भी इम्पोर्टेंट है वो कैरी करो, बस दैट्स ऑल। मिलते हैं आप नेक्स्ट कैन के साथ नीचे।
सो फाइनली अभी हम हमारे होम स्टे आ चुके हैं, और आते टाइम तो उतना टाइम लगा ही नहीं, बिकॉज हमें उतरना था, उतरते टाइम उतनी मेहनत भी नहीं लगी और काफ़ी जल्दी आ गए, लाइक 3 आवर्स में आ गए, जितना फर्स्ट डे हम 6 आवर्स में ऊपर चढ़े थे, बिकॉज हर टाइम 15 मिनट्स में रेस्ट हो रहा था, आज उतना नहीं हुआ। और अभी ये जो पीछे दिख रहा है ये हमारा होम स्टे, काफ़ी अमेजिंग है। मैं आपको अभी इसका रूम टूर दूंगा, अभी तक मेरे पास कुछ भी नहीं था जिसका मैं आपको रूम टूर देता, बिकॉज सभी टेंट वगैरह था, तो टेंट का वैसे मैंने बताया है। और आपको व्यू भी दिखाता हूँ, यहाँ से काफ़ी अमेजिंग व्यू है, ये काफ़ी ऊपर है, ये जो आपको पीछे छोटा सा दिख रहा है ये सांकरी है जहाँ से हमने हमारा ट्रैक स्टार्ट करा था, और इधर से पीछे पे हमारी होटल थी, ये रोड दिख रही है, बेसिकली ये रोड आई है और इसके बाद में एंड हो गया सांकरी के बाद में, फिर पूरे पहाड़ में और फिर वही ट्रैक वगैरह होता है। तो ये था, और इट्स टाइम फॉर गैन नंबर 3। तो तीसरा ज्ञान ये रहेगा कि शूज़ लिखा ज़रूर रहता है आइटनरी में कि खरीद के लाए अपने ट्रैकिंग शूज़ जो भी हैं, बट वो आपको लाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे 400 के अच्छे मिल जाते हैं शूज़, आप वहाँ पे लेंगे काफ़ी कॉस्टली होते हैं वो, कि स्टिक्स वगैरह यहाँ पे प्रोवाइड हो जाती है, वो काफ़ी सस्ती होती हैं, लाइक 50 या 100 रुपीज़ में, हमको तो 50 में एक मिली है, तो हमने तो ग्रुप में पूरी ले लिए थे। और ये चीज़ रहेगी कि लोग बाग काफ़ी डराते हैं कि सनग्लासेस लगाना, सनस्क्रीन ये वो, तो ठीक है, डरने की ज़रूरत नहीं है उसमें, बाकी सनस्क्रीन कैरी करें और मॉइस्चराइज़र, लिप बाम वगैरह, जैसे मेरे लिप्स में काफ़ी वो हो गया है, फट चुका है सभी हाथ पैर वगैरह सब, तो सनस्क्रीन रखें अपने फेस के लिए और मॉइस्चराइज़र वगैरह कैरी करें, और आप सनग्लासेस भी रखना ज़रूरी है, बिकॉज वो लास्ट डे जब सबमिट करते हैं अपन, तो ऊपर क्या होता है वहाँ पे ट्रीज़ नहीं होते हैं, सिर्फ स्नो होता है और माउंटेन्स रहते हैं, तो वहाँ पे सन डायरेक्ट अपने को हिट करता है, इसलिए सनग्लासेस भी ज़रूरी है, सनग्लासेस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ये सब रहा, अब मैं आपको अपना रूम टूर देता हूँ। तो ये इस साइड से हम लोग आए थे, और जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को, ये है सांकरी विलेज, ये रहा सांकरी विलेज, जैसे मैं जूम आउट कर देता हूँ, ये जो दिख रहा है ये सांकरी, दिस इज़ सांकरी विलेज, हमने यहाँ से अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट करी थी, बट हम दूसरे रास्ते आए, और ये यहाँ से हमारा काफ़ी अमेजिंग व्यू है, ये रहा पूरा व्यू हमारा, सो दिस इज़ आवर रूम, ये रहा बेड, ये मस्त से इधर से कनेक्टेड रूम है, यहाँ वॉशरूम मिल जाएगा, और ये रहा विंडो का व्यू, ये रहा विंडो, और बाहर का व्यू देखते हैं अब, ये रहा बाहर का व्यू अपना, तो आज का सीन ये था कि हम लोग काफ़ी टाइम पे आ गए थे यहाँ पे, हम लोग आ गए थे 1 o'clock और 2 o'clock के करीब, तो हमारा लंच हो गया था, मैं ये व्लॉग बाद में शूट करूँ, अभी टाइम हो गया है 4 PM एंड इट्स टी टाइम, तो अभी मस्त व्यू एंजॉय करेंगे और चाय पियेंगे, और इस व्लॉग को मैं यहाँ पे एंड करूँगा, बिकॉज लास्ट डे मैंने एंड नहीं करा था, मैंने सोचा था कुछ होगा नहीं बाद में, तो इसे बाद में ही एंड कर देंगे, तो इस ब्लॉग को यहाँ एंड करते हैं, और मिलेंगे नेक्स्ट।